हे व्हाट्सअप टेक पीपल, अर्शद इस साइड। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है जियो 5-4। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, मगर मेरे पास ये प्रोडक्ट अभी आया है तो हम इसकी अनबॉक्सिंग अभी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बॉक्स के ओवरव्यू की बात करते हैं तो साइड में लिखे हुए हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ पे जो साइड में दिए हुए हैं जियो की ब्रांडिंग और रिलायंस की ब्रांडिंग। तो इसी वीडियो के अंदर आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जो कि ये है कि मैं इसी प्रोडक्ट का गिव अवे करने वाला हूँ, जो कि आपको इसके एंड में पता चलेगा कि क्या है उसके अंदर एंटर करने के लिए। तो हम बात करते हैं इसके अंदर के, तो जो इसके बॉक्स के अंदर में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है वो है जियो का राउटर, यानी आप बोल सकते हैं कि यह है इसका एक वाईफाई। तो इसके बीच में और साइड में कुछ बटन्स दिए WPS और पावर ऑन करने के लिए। इसको हम रखते हैं साइड में और अंदर देखते हैं। यहाँ पर हमारे को मिली है एक बैटरी और आगे इसके दिया हुआ है एक जियो का ब्रांडिंग। और आप इसको पास से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 2600 mAh की ये बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टैंड बाई देती है अगर आप इसको चलाते हो तो। और अगर हम साइड में रखते हैं इसको और हम देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक पावर अडेप्टर, यानी एक केबल अडेप्टर, जो कि इसकी रेटिंग है 5.0 वोल्ट और ये 1000 mAh का है, जो कि नॉर्मल आपको सब मिल जाता है। और यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है, वो है नॉर्मल USB और बाकी आपको देखने मिल जाता है पेपर वर्क। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राउटर की, यह एकदम ब्लैक मैट कलर का, जो कि बेस्ट होता है शाइनी स्किन इसकी। तो हम इसके बैक पैनल को ओपन करते हैं, तो ये ओपन हो चुका है और हम देखते हैं इसके अंदर आपको दो पोर्ट मिल जाते हैं, एक तो है SD कार्ड और एक है सिम का। तो यहाँ पे जो SD कार्ड का है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर SD कार्ड मुझे पता नहीं क्यों इसमें दिया है, मगर इसको यूज़ करने का पता चलेगा। और यहाँ पे एक दिया है नैनो सिम का सपोर्ट, जो कि आप जियो की सिम लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आप सिम डालते हैं तो यहाँ पर सिम जो है बहुत ही आसानी से लग चुकी है। तो अब हम इसके अंदर बैटरी भी लगा देते हैं फटाफट से, तो ये बैटरी भी लग गई है और अब फटाफट से इसका बैक पैनल भी लगा देते हैं। और अब मैं इसको करके बताऊंगा चालू, इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे इसका बटन है, आपको यहाँ पे इसको दबाए रखना पड़ेगा 3-4 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे मैं 3-4 सेकंड में दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये चालू हो चुका है। अभी यहाँ पर ये बिल्कुल ग्रीन कलर का आ रहा है, इसका मतलब अभी ये कनेक्टेड नहीं है। अभी ये स्टैंड बाय पर जब आएगा जब ये एकदम ब्लू कलर का हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैं आपको अभी इसके अंदर सिम लगा लग चुकी है, तो यहाँ पर अभी नेटवर्क वगैरह फुल आ रहा है, बैटरी भी फुल है। तो जैसे मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड आ चुका है, मतलब ये अभी इसमें कुछ चालू नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड आपको इसके पीछे लिखे हुए मिल जाएंगे, और या फिर इसके डब्बे के पीछे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे बॉक्स के पीछे। अगर तब भी आपके पास अगर वो नहीं है तो आप इसको अपने PC में कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, वरना आपको करना होगा ये कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये WPS का बटन, आपको उस पर क्लिक करके रखना होगा 5-6 सेकंड के लिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, वो ऑन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको अपने मेरे मोबाइल के अंदर आपको करके बता दूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर कर दिया मेरा वाईफाई ऑन, अब मैं जाऊँगा इसके अंदर, मैं यहाँ पर बैटरी थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं गया यहाँ पर वाईफाई के अंदर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर JioFi और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पासवर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आपके पास PC नहीं है, अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते तो आपको करना होगा ये कि आपको WPS पे दबाए रखना होगा, और यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग, तो आपको एडवांस सेटिंग में जाना होगा। तो आप जैसे ही एडवांस सेटिंग में जाएंगे आपको यहाँ पर मिलेगा WPS बटन कनेक्शन, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर भी है आपको एक WPS कनेक्शन, तो आपको यहाँ पर दबाए रखना होगा उसको 3-4 मिनट के अंदर, 3-4 सेकंड सॉरी, और यहाँ पे आपको दबाना होगा WPS बटन के लिए। तो यहाँ पे ये सेकंड चालू हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ ही सेकंड में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे WPS बटन कनेक्ट। तो बस ऐसे ही ये कनेक्ट हो जाता है बहुत ही आराम से। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सफरिंग करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे भी सब रेड हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, तो ये आराम से चल रहा था। मैं इसको रखता हूँ साइड में और आपको इसमें कुछ डाउनलोड करके बताता हूँ। और जैसे आप देख सकते हो ऊपर स्पीड यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पर थोड़ी स्पीड का प्रॉब्लम है, इतनी नॉर्मली इतनी मिल जाती है, और रात को अगर हम चालू करते हैं तो कभी कभी 2-3 MPS के बीच में मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर कुछ डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है पिक्सल आइकन, तो मैं यहाँ पर ये डाउनलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करा तो यहाँ पर पेंडिंग बता रहे हैं, ऊपर स्पीड भी अच्छा रही। तो मैंने आपको जैसे कि बताया स्पीड का थोड़ा यहाँ पर लफड़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जियो के अंदर एंटर करने के लिए क्या करना होगा।
तो सबसे पहले मुझे इस वीडियो के 50 लाइक्स की, तभी ये गिवअवे रन करेगा। अगर 50 से कम लाइक्स है तो मैं ये गिवअवे चालू नहीं करूँगा। और आपको गिवअवे में एंट्री करने के लिए सबसे पहले करना होगा इस वीडियो पर कोई भी एक कमेंट, दो कमेंट नहीं होनी चाहिए, 1% की एक कमेंट, और यहाँ पे करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कि कंपलसरी, और इस साथ के साथ मेरे वीडियो करना होगा शेयर। ये तीन, तो ये तीन चीज़ें ये कंपलसरी है, और मैं रेंडमली एक जने को चूज़ करूँगा, बट कंडीशन ये है कि सबसे पहले 50 एक्स पूरे हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी पसंद आती हो तो इसको लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में फटाफट से एंटर कर दो। बाय।